अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और डाटा एंट्री से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट की डिटेल आपको लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने कंप्लीट किया और उससे मैंने $6 अर्न किए थे। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट था। तो गाइस, मैं प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर करता हूँ ताकि आप लोग देखें कि काम किस तरीके का है डाटा एंट्री से रिलेटेड, किस तरीके के आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो आप उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से ईजिली कम्प्लीट कर सकते हैं। क्या पता ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए आज बना रहा हूँ, ये शायद आप लोगों को कहीं पे हेल्प कर सके डाटा एंट्री से रिलेटेड, आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आ सके, कुछ आप सीख सकें। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चले हम काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मुझे जो मेरे क्लाइंट ने कहा था वो मुझे ये कहा था कि आपने साइकेडेलिक काउंसलर्स जितने भी हैं USA के अंदर उसकी डिटेल्स आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करनी है। उसमें उसने कहा था कि आप ईमेल फाइंड करें, उसका नेम फाइंड करें, उसका एड्रेस फाइंड करें। तो मैंने एक वेबसाइट फाइंड की। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को भी बता दूँ यहाँ पे कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, आप वहाँ पे डिटेल के अंदर देखेंगे मैं इस तरह से बहुत सारी वीडियोज ऐसी बनाता हूँ जो आप लोगों को हेल्प कर सकती हैं ऑनलाइन अर्निंग करने में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों के पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। वीडियो में आगे चलते हैं। मैंने trippingly.net ये मैंने गूगल से फाइंड की। तो यहाँ पे मुझे जो मेरे पसंद का डाटा था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से किया, ये भी हो सकता है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट मिले उसका डाटा यहाँ पे ना हो, ये एक स्पेसिफिक एक उसी डाटा से रिलेटेड एक वेबसाइट है। तो हम इस प्रोजेक्ट को मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से काम किया और सबमिट करवाया। नेम लिख लेंगे हम यहाँ पे, ईमेल एड्रेस लिख लेंगे और यहाँ पे एड्रेस लिख लेंगे, और अगर हमारे पास फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे। तो आप इसको इजीली यहाँ से यूँ ड्रैग करके सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे, और आप इन्हें इसको 10 पे रखा हुआ है तो आप इसे 14 पे ले जाएंगे ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आप इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसके बाद यहाँ पे इसको इस बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर में आ जाएगा। तो देखें ये बॉर्डर्स में आ गए। तो अब आप देखें, अब आपने इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने ऐड करते जाना है। तो गाइस, यहाँ पे मुझे मेरे क्लाइंट ने एक और चीज़ कही थी कि आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग देना है। तो मैं यहाँ पे मैंने अलग अलग बनाया था, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको करके दिखा देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मैंने किस तरीके से इसको बहुत सिंपल वे में बना के किया। गाइज, एक और वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो देखी है या नहीं देखी, जिसके अंदर मैंने एक टूल का आप लोगों को बताया था जिसे आप कॉपी पेस्ट इजीली मल्टीपल चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उस टूल को हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टूल था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे फुल। अब हमने यहाँ से इसको फ़ोन नंबर भी कॉपी कर लिया, ये हमने यहाँ से इसका ईमेल एड्रेस कॉपी कर लिया। अब हमने इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब ये देखें, सारी चीज़ें मेरे पास कॉपी हो गई हैं। मैंने किया क्या, मैं यहाँ पे आऊँगा कंट्रोल शिफ्ट वी। उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने किस तरीके से किया था। तो अब यहाँ पे नेम को करेंगे और यहाँ पे आपने कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे सेकेंड नेम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे ईमेल आपको डालना है कंट्रोल शिफ्ट वी, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस उसका डालेंगे। एड्रेस हमने कॉपी करना भूल गए थे तो हम यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ हम करना भूल गए, वो ये था कि इसका कंपनी नेम भी क्लाइंट ने रिक्वायर किया हुआ था। तो हम यहाँ से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो वेबसाइट भी कही हुई थी, कंपनी नेम भी कहा हुआ था। अब आपने किया ये कि आपने ये सारी चीज़ें अपने कंपनी नेम को ओपन कर लिया, आपने यहाँ पे वेबसाइट के डाल दिया। अब यहाँ पे कंपनी नेम उसका आ गया तो यहाँ पे आपने कंपनी नेम डाल दिया, ठीक है। और आपने ये देखें, ये चीज़ें बाहर निकल रही हैं इस बॉक्स से, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट रैपिंग पे, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट को रैप कर दिया। अभी देखें, एक हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। एक और मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आती रहेगी। जैसे कि ये मैं कंट्रोल सी दबाता जा रहा हूँ, जिसको भी मैंने कॉपी करना है कंट्रोल सी दबाता जा रहा हूँ, और ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आप देखिएगा कि मैंने किस तरीके से किया। ये देखें, ये मैंने नेम डाला, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस इसका डाल दिया हमने, और ये हमने इसका डाल दिया यहाँ पे एड्रेस इसका डाल देंगे,
कहाँ था एड्रेस, कहाँ, ये रहा एड्रेस इसका, और ये हमने इसका फ़ोन नंबर डाल दिया, और ये इसकी कंपनी का नेम यहाँ पे था नहीं, इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया। एक और हम आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो गाइज आप इस तरीके से इसको खूबसूरत सा बना के आप लोगों ने करना ये है कि मैंने गूगल शीट्स ओपन की हुई है, मैंने एक्सेल ओपन नहीं किया हुआ, तो आप इसको एक्सेल में भी बना सकते हैं। करना आपने ये है कि फाइल पे क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर देंगे, ये फाइल एक्सेल के अंदर आ जाएगी, फाइल को रीनेम करेंगे, और आपने क्लाइंट को या आपका जो अगर क्लाइंट है अपवर्क के ऊपर या फिर अगर आपका बायर है फाइवर के ऊपर, तो आप उसे एज इट इज खूबसूरत सा बना के इसको सेंड कर देंगे। तो गाइज मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने डाटा एंट्री से $25 अर्न किए थे। वो किस तरीके से किए थे, वो क्या चीज़ ट्यूटोरियल के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, वीडियो का लिंक आप लोगों को यही नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करें और जाके वो वीडियो पूरी देखें ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप लोग भी वो काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।